ग्राम गुजरखेड़ी विकासखंड सुहागपुर में विकास यात्रा पहुंची, जहां ग्रामीणों द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों के संबंध में ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की गई। शासन की योजना का लाभ वितरण किया। इस अवसर पर अनेकों कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर अनेकों युवाओं ने भाजपा में शामिल हुए सांसद द्वारा 15 साल के कार्यकाल पर आरोप लगाए। उक्त कार्यक्रम में उपस्थित राव उदय प्रताप सिंह सांसद, मनोहर बैंकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि, अंजनी पटेल, सुरेश पटेल, श्रीमती लता यशवंत पटेल अध्यक्ष नगरपालिका, कृष्ण पालीवाल, ललित पटेल मंडल अध्यक्ष, राघवेंद्र पटेल उपाध्यक्ष, यजुवेंद्र पटेल, रामबाबू रघुवंशी, भाई साहब पटेल, विजेंद्र राजपूत अध्यक्ष, नीरज यादव युवा मोर्चा अध्यक्ष, मिथिलेश पटेल, अनिल गहरेया, मकालू मेहरा, रविशंकर पार्षद, श्री जगदीश अहिरवार, समस्त युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण, समस्त पार्षद, समस्त जनपद सदस्य, समस्त सरपंच, समस्त अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, ग्राम के वरिष्ठ भूरा पटेल सरपंच, दीनदयाल पटेल नेता, जनपद सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। उपस्थित सम्मानीय मंडल के अध्यक्ष राघवेंद्र जी, दूसरे मंडल अध्यक्ष ललित पटेल जी, सम्मानी अंजनी पटेल जी, सम्मानी सुरेंद्र पटेल जी, सम्मानी कृष्णा भैया, सम्मानी नमस्कार। जैसे कि मैं आपको शुरू दिन से ही, जब से 15 तारीख से सुहागपुर में विकास यात्रा का प्रवेश हुआ है, तभी से हम विकास यात्रा को लेकर आपको कंटिन्यू अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि विकास यात्रा का कहां पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोग क्या मानते हैं। हमने आम जनता से भी बात की है, जहां पर विकास यात्रा को लेकर उनकी क्या मानसिकता है, और आने वाले चुनाव भी, विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। और जहां पर देखने को आ रहे हैं कि कई विषय भी निकल कर आए, जो कि हमने विधायक जी से डिस्कस भी किए हैं। कुछ दिनों पहले जब विकास यात्रा शुरू हुई थी, तो कांग्रेस का आरोप भी था कि यह विकास यात्रा नहीं है, इसमें खर्च है, ये सब दिखाया जा रहा है, सब दिखावा है, भाजपा ने कोई विशेष कार्य किए नहीं है, ये सब दिखावा है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अगर क्या ना, भाजपा ने विशेष काम नहीं किए, तो लगातार 3 बार से विधायक जी यहाँ चुन रहे हैं। पूरे जिले में भाजपा के सभी जिले में भाजपा के जिला पंचायत, जनपद हैं, नगर पालिकाएँ, सारी चुनाव जीत कर आ रही हैं। सांसद भाजपा का है, प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री भाजपा का है, और ये विकास यात्रा इसलिए हो रही है, जो काम हुए हैं उनका लोकार्पण, भूमि पूजन, साथ ही प्रशासन साथ में रहता है। कहीं कोई अगर छूट गया है, आवास में छूटा है, संबल में छूट गया, किसी को पेंशन नहीं मिल पा रही, तो वो भूल चूक न रहे, सारे लोगों की मदद उनके दरवाजे तक पहुँच जाए, इसकी विकास की यात्रा है ये। यदि एक बात और कही जाए कि हम देख रहे हैं नर्मदापुरम जिले में विकास यात्रा चल रही है, अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष मुद्दे उठाता है, मगर नर्मदापुरम जिले में विपक्ष भी शांत है, कारण? इसकी वजह यह है कि विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबकी सेवा कर रहा है। माताएं बहनें और बची थी तो लाडली बहना योजना में उनका भी काम हो गया, इसलिए चारों तरफ बिल्कुल एकदम आनंदमय वातावरण है। शिवराज जी के और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ साथ लोगों के निजी कार्य भी हो रहे हैं, प्रगति भी हो रही है, और मान सम्मान और प्रतिष्ठा के काम भी हो रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा, सांसद जी थे जिन्होंने पूर्ण जानकारी दी विकास यात्रा को लेकर, योजनाओं को लेकर। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।